नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 12 कोरोना संक्रमित की मृत्यु। देश भर थप 994 गोटे में कोरोना संक्रमण। जनकपुर धाम में लोसपा चुन्नीहार जनप्रतिनिधि के सम्मान, आब एकता नहीं गठबंधन मात्र हेबाक जिक्र। नेपाल सद्भावना पार्टी आ राष्ट्रवादी पार्टी बीच एकीकरण के घोषणा। एकीकृत पार्टी के नाम आ चुनाव चिन्ह नेपाल सद्भावना पार्टीए के रहत। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विधान के महाधिवेशन आसीन 15-16-17 गते काठमांडू में करत। माधव नेपाल 9% मात्र लगेल महासचिव पकड़े लगतावी। आ एमसीसी के विरोध में गरमायल विप्लव समूह, राष्ट्रीयता ऊपर हमला भेल निष्कर्ष। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 12 कोरोना संक्रमित के जान गेलैछ। अहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 10,936 पहुँचल। देश भर थप 994 गोटे में कोरोना संक्रमण पिछला 24 घंटा में पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,137 PCR परीक्षण में 777 आ 3,703 एंटीजन परीक्षण में 217 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। अहि संगे पिछला 24 घंटा में नेपाल में 1,368 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 27,355 गोटे सक्रिय संक्रमित है। 7,38,034 गोटे एखन धरि कोरोना से ठीक भ चुकल। प्रदेश तू में पिछला 24 घंटा में 5 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 3, धनुषा में 1 आ सरलाही में 1 गोटे में संक्रमण देखल गेल। अहि संगे प्रदेश तू में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,130 पहुँचल। प्रदेश तू में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 1,035 रहल। तहिना 36,982 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश तू में एखन 113 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल। आई ऋषि पंचमी। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन अरुंधति सहित सप्त ऋषि सबके पूजा आराधना करैत ऋषि पंचमी मनायल जाइत अछि। आई के दिन कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदम्बी, वशिष्ठ आ अरुंधति के पूजा करैत वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्मावलंबी महिला सब व्रत बैसिक पावनि मनबैत अछि। आई के दिन भोरे उठैत नदी तालाब पोखरि में जाकर स्नान करैत शुद्ध होइत काल स्नान के समय 365 दतमन से दांत मजबाक, गाय के गोबर, माइट आ खरान से स्नान करबाक धार्मिक विधि रहल। आई के दिन महिला सब काठमांडू के गौरी घाट लगायत देश भर के मंदिर सब में जाकर सप्तऋषि के पूजा करत व्रत बैसत। आई के दिन सप्तऋषि के पूजा करला से राजस्वला भेल समय में छुअल गेल त्रुटिहीन सबके कुकर्म से मुक्ति मिलबाक धार्मिक विश्वास रहल। सात ऋषि के पूजा करय वाला दिन भेला से आई के दिन के ऋषि पंचमी के रूप में कहल जाते। धनुषा सहित अ क्षेत्र में प्रसिद्ध आ पैघ मानल जाय वाला धनुषा के सवेला स्थित माँ दुर्गा भवानी मेला के विधिवत तैयारी शुरू भेल। प्रत्येक वर्ष विजयादशमी में लागे वाला भव्य मेला के विधि अनुसार शनि दिन विशेष विधिपूर्वक सवेला के माँ दुर्गा मंदिर आगा ध्वजा गाड़ल गेल। नजदीके के फुलवारी में साधु संत आ पुरोहित सहित श्री श्री 108 माँ दुर्गा भवानी प्रतिष्ठान सवेला के सचिव नथनी यादव हरेराम के अगुवाई में विधिपूर्वक बसकट्टी विधि करैत मंदिर के आगा ध्वजा स्थापित कयल गेल। श्री श्री 108 माँ दुर्गा भवानी प्रतिष्ठान सवेला के आयोजना में सवेला बाजार में लागे वाला मेला चर्चित रहल। अष्टमी से दशमी धरि बोकावली प्रदान हेबाक, घटस्थापनाए से शुरू हो वाला मेला सप्तमी से एकादशी धरि मेला लगला से सवेला के मेला प्रसिद्ध रहल। साल में यहाँ दशमी मेला कतौ लगबे नहीं करे, मतलब ये लाखों के भीड़ में दर्शक रहे। नेपाल आ भारत के सेहो दर्शक अथी आके दशमी देखबे, एकर तो इतिहास ही नहीं कहल जाए। कते दिन कहीं कते दिन पहिने से लगे, हम परबाबो के पूछे तो वो कही कते दिन से लगे इसे ठेकाने। ये के मेला भगल सप्तमी से शुरू हुई, तो सप्तमी, अठमी, नवमी आ दसवीं ये 4 दिन जे कही भसौनी। आब आ भसौनी में तो आरो जना के हमरा बुझाइए 50 लाख से बेसी जनता रहते तो भसौनी में मेला में।
सबैला में माँ दुर्गा के पूजा पाठ केला से मनकामना अवश्य पूरा हेबाक श्रद्धा आ विश्वास व्याप्त रहल आ घट स्थापना दिन से पूजा पाठ आ मेला मात्र नहीं होते एकादशी के दिन भसौनी कार्यक्रम में लाखों के भीड़ समेत रहल मेला के थप आकर्षक बनबत आयल आयोजक प्रतिष्ठान के सचिव नथनी यादव हरेराम के कहब है ध्वजा स्थापित भेल संगे मेला के विधिवत तैयारी शुरू भेल प्रतिष्ठानक अध्यक्ष वीरेंद्र नायक के कहब है मेला में पहलमानी अन्य खेलकूद सहित के गतिविधि से हो रोचकता बढ़बत नेपाल वैश्य युवा संघ प्रदेशतु सरकार के नवनियुक्त दू मंत्री सबके सम्मान कलक जनकपुर धामक एक कार्यक्रम आयोजना में संघ प्रदेशतु सरकारक आंतरिक मामिला तथा संचार मंत्री भरत शाह आ आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह के सम्मान कलक प्रदेशतु सरकार के नव दू महत्वपूर्ण मंत्रालय सब गृह आ अर्थ में नियुक्त भेल मंत्री द्वय शाह के संघ परिवार प्रदेश दू सम्मान कलक कार्यक्रम में बजट मंत्री द्वय वैश्य समुदाय के समाज में व्यापक लगानी भेलो पर राजनीति आ सामाजिक दखलंदाजी में प्रभावकारी रूप से एखनो सशक्त भ क लागल जेबाक अवस्था रहल बतौलन विभिन्न राजनीतिक दल सब वैश्य समुदाय में भी माने टिकट दिल जाए नेतृत्व में लाल जैसे अपने के उनका समय आवास के लिए पछिलका समय जनकपुर के स्थानीय तह के निर्वाचन प्रमाणित कदम किया क्या जनकपुर में वैश्य के बाहर अगर कोनो के टिकट दिल जाए छे तो वो अपने के निर्वाचन न जीत सकते अपने के प्रमाणित कर ऐसे ही देखा रहा है विगत से जो वैश्य समुदाय के दे राजनीति चेतना रही है और दिन प्रतिदिन अगाड़ी बढ़ जा रहा है लेकिन हमारा लग रहा है कि एतबे से नहीं भूते कोनो भी समुदाय अगर जे अपने जनसंख्या के अनुपात में अगर अपन प्रतिदिन के लागे लड़ाई लड़े छे तो लड़ाई अपने के जायज हो छे हम सब अभी भी हालांकि प्रदेश सरकार में नौटा अपने के मंत्री होते तीन टा वैश्य समुदाय से आ रहा है जे हमरा लग रहा है कि ओतबे अपने के अपू है सबसे ये देश में से अपन जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करबे के अधिकार सरकार से रखा है तब ये क्षेत्र पसंद है आगे के जिले में आवे वाला समय में राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी लिए पड़े कि ऐसे की कई बार जब नहीं बैठे थे तो छीनो पड़े से ये हिस्सेदारी कना लेवे वैश्य समुदाय राजनीतिक हिस्सेदारी के लेल आगा एवाक समय आयल बतबैत मंत्री द्वय जनयुद्ध आ मधेश आंदोलन बाद किछ दल सब में वैश्य समुदाय के खोज शुरू भेलो पर सम्मानजनक उपस्थिति होब नहीं सकल बतौलन कार्यक्रम में संघक धनसा अध्यक्ष विनोद शाह प्रदेश दू अध्यक्ष राजू शाह लोसपा के नेता संजय शाह सहित के उपस्थिति छल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा दल चुनने संपूर्ण जनप्रतिनिधि के सम्मान कलक जनकपुर धाम में एक कार्यक्रम के आयोजना करित लोक कल्याणकारी प्रतिष्ठान परिवार लोसपा दल चुनने प्रदेश सांसद स्थानीय तह के प्रमुख उप प्रमुख वार्ड अध्यक्ष सदस्य सहित के सबके सम्मान कलक कार्यक्रम में नेता सब विगत में मधेश केंद्रित शक्ति के उच्च उठावक लेल विभिन्न एकता कैल गेलो पर लोकतांत्रिक शक्ति बाहेक संग एकता केला पर गलती भेल बतबैत देश के संपूर्ण लोकतंत्रवादी शक्ति सबके एक जगह आवे के समय आयल बतौलक खड़े हैं भ्रम को लेकर के शंका को लेकर के लोग
आम पार्टी माने ताकत में भ्रष्टाचार के विरोध में ये आज हम आस्था करने के लिए इस लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने एक ऊर्जा प्रदान करे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के एक शक्ति प्रदान करे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के एक नेता सब आब दाया बाया नहीं देखत लोकतांत्रिक शक्ति सब संग पार्टी एकता नहीं भक गठबंधन करत शक्ति संचय के काज कल जात आ लोसपा के विशाल शक्ति बनाब के समय आयल बतौल प्रतिष्ठानक अध्यक्ष मनोज चौधरी लोसपा चुने संपूर्ण नेता तथा जनप्रतिनिधि के धन्यवाद दैत उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के कामना कलन कार्यक्रम में प्रदेश सांसद प्रहलाद गिरी नेता डॉक्टर विजय कुमार सिंह पूर्व राज्य मंत्री तथा प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा सहित लोसपा चुने जनप्रतिनिधि सभक सहभागिता छल। नेपालक दू राजनीतिक दल सब अपना सब एक भेल जनकपुर धाम से घोषणा कलक शनि दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजन करत दूटा दल सब नेपाल सद्भावना पार्टी आ राष्ट्रवादी पार्टी बीच एकीकरण भेल घोषणा कलक अपरिहार्य भएकोले नेपालको राजनीतिमा अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा रहेका दुई पार्टीबीच निम्न आधारमा एकीकरण गर्न सहमति गरेका छौँ। एक नम्बर एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी हुनेछ। दोस्रो नम्बर एकीकृत पार्टीको झन्डा चुनाव चिन्ह छाप नेपाल सद्भावना पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको हुनेछ। दुनू पार्टी के एकीकरण बाद एकीकृत पार्टी के नाम नेपाल सद्भावना पार्टी राखल गेलैस त एकीकृत पार्टी के झंडा चुनाव चिन्ह आ छाप समेत एहि से पहिने नेपाल सद्भावना पार्टी प्रयोग करैत आयल हेबाक सहमति भेल अछि। नेपाल सद्भावना पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष राम कुमार महतो आ राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से केन्द्रीय अध्यक्ष शहजाद मियाँ एकीकरण के घोषणा कलक अछि। पार्टी के अध्यक्ष द्वय महतो आ मिकरानी बीच किछु दिन नेपाल में राजनीतिक दल सब देखल गेल टूट फूट के खेल से अंत होत देश के राजनीति फिर से दलदल में फंस के अवस्था अला से अपना सब एक होब पहुंचल बतौल कुर्सी पाव के लागी मंत्री बन के लागी अहाँ के जसपा और समाजवादी राजपा और समाजवादी पार्टी एक जसपा बनल ओहो जे अखन फूटफाट भेलै ओ मंत्री बन के लागी देखने हेबे आइ समय हमरा बेसी बात नहीं कह के क्यों एगो पक्ष सरकार में जाए के लागी तो एगो पक्ष नहीं जाए के लागी एगो ओकरा नेतृत्व एगो ओकरा नेतृत्व सब सरकार में जाए के लागी पद प्राप्ति के लागी अपन व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा कर के लागी ओकरा सबके जुटले अभी और फुटले अभी ओकरा सबके नेपाल के अखन तक के जी अपने आप के बड़का पार्टी कह वाला नेता सब अपन स्वार्थ पूरा के लागी जुटले और फुटले नेपाल का किसी भी भूभाग से कोई भी दल अभी तक सक्षम नहीं हो रहा है ये क्लियर रूप से अभी हम आपसे मनन कर सकते हैं। नेपाल में कई पार्टी वर्गीय हिसाब से क्षेत्रीयता हिसाब से जातीयता हिसाब से फिलिंग करते हुए पार्टी को लेकर आगे बढ़ रही है जिसमें आने वाले दिन में नेपाली जनता
और नेपाल का भविष्य इसी कीमत पे उज्जवल नहीं दिखाई। मंत्री पद आ सत्ता प्राप्ति के लिए दल सब फुटत देश के स्थायित्व देव, फिर से राजनीतिक दल सब असफल भेल आ अपना सब एकता के सकारात्मक संदेश देव चाहने से बतौलक वो सब नेपाल सद्भावना पार्टी देशे के पुरान पार्टी में से एक रहला से आगा बढ़ में विश्वास व्यक्त कलक। कार्यक्रम में नेता कार्यकर्ता तथा युवा सब के उपस्थिति छल। धनुषा एमाले के स्वर्गीय नेता योग नारायण यादव के पत्नी सविता यादव अपना सक्रिय राजनीति में लगवाक बतौलन। कोरोना संक्रमण से एमाले नेता यादव के निधन भेला बाद धनुषा के क्षेत्र एक में एमाले के नेतृत्व के करत विषय में चर्चा परिचर्चा बीच में स्वर्गीय यादव के धर्मपत्नी सविता स्वर्गीय यादव के बाकी सपना सब के पूरा कर अपना स्वयं सक्षम रहल कहत प्रत्यक्ष राजनीति में अबाक बतौलन। योगदान के हम विचार करी, हम एकदम जेहने हमर नेताजी छलिए से जे अहाँ के लोकप्रिय नेता उनकर मतलब संगठन के हम सारा संगठन के साथी भाई कार्यकर्ता उनकर नेता बनावल लोकिन हमरा साथ है। हम राजनीति कर आगे ली हम राजनीति कर कौन किसिम से राजनीति में एवा कहकर प्रश्न में ओ अपना प्रतिनिधि सभा सांसद के प्रत्यक्ष चुनाव लड़बाक बतौलन। स्वर्गीय यादव जात पात नाता आ कृपावाद के राजनीति से ऊपर उठत वर्ग आ समुदाय के संगे लग आगा बढ़ के प्रण लेला से ओकरे अपना आगा बढ़ाब पार्टी के नेता आ कार्यकर्ता के कनिको भावना विपरीत नहीं जाय से हो प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। अपन संगठन बाहे के या मतलब फाजिल व्यक्ति के हम सब सबके समेट के जनता के सबके समेट के सबके हम उनका सबके विचार करी उनका सबके सबके मिला के हम राजनीति करब। उनका सबके बाहे हम अपन नया सोच नहीं रखब। उनका सबके जे अच्छा बुझाए उनका सबके सम्मान करी हम अपन अगाड़ी बढ़ब। हमरा अपना संगठन अपना साथी भाई अपन नेता सब पर भरोसा है कि हमरा प्रत्यक्ष में टिकट देती। हम प्रत्यक्ष में लड़ब हम सब साथी भाई के बीच में सबके समर्थन रहत। अपना काठमांडू रहला पर धनुषा संपर्क मंच के सदस्य आ सचिव भक काज केने तथा बीतल 15 वर्ष निरंतर जिला सदस्य रहला से पार्टी में अपना नया नहीं रहल से हो ओ स्पष्ट कलन। नेता योग नारायण के निधन बाद धनुषा क्षेत्र नंबर 1 से एमाले से प्रतिनिधि सभा सदस्य में रामचंद्र मंडल किशोरी शाह कमल के चर्चा के बीच ओ सांसद में चुनाव लड़बाक बात एखन केलो पर वर्तमान एमाले सांसद तथा पूर्व मंत्री जूली महतो से हो वही क्षेत्र में आवश्यक बाक चर्चा सब शुरू भेल। हेल्प मधेसी नेपाल सबैला के एक बालिका के 15,000 सहयोग कलक। पेट पैघ हो जाय वाला कुपोषण रोग से पीड़ित अति विपन्न सबैला नगर पालिका वार्ड 3 के वर्षा कुमारी महरा के उपचार के लेल ओ रकम प्रदान कैल गेल। हेल्प मधेसी नेपालक राष्ट्रीय अध्यक्ष राम उद्गार यादव बतौलन। बहुत लोग एहन छै जे आर्थिक अभाव से घर नहीं बना सके इलाज नहीं कराब सके ओहन ओहन के हम सब खोज खोज के हेल्प मधेसी संस्था द्वारा जे उपचार में घर बनबे के लागी सहयोग करते आब रहल छी और हम सब करते रहबे। हमर सब संस्था के मेन उद्देश्य ये है हेल्प मधेसी मतलब मधेसी के मदद करू। ऐ सिलसिला में हमर सब सबैला नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के वर्षा कुमारी महारा के बारे में हरे राम जी सब जानकारी करेले रहे जी बहुत अभाव छे एकर आर्थिक अभाव के कारण से ही सहयोग नहीं करा रहल छे एकासी एकर पेट बढ़ लगले। तो वही दिन हम शुरू में अली ऐ जे के व्यापार संघ के अध्यक्ष रामचंद्र जयसवाल जी के कल तत्काल एक है हॉस्पिटल तक पुगब के लागे कुछ आर्थिक सहयोग कर दी तो उनका द्वारा 5,000 भेल रहे। श्री श्री 108 श्री माँ दुर्गा भवानी प्रतिष्ठान सबैला के सचिव नथुनी यादव हरे राम बालिका के नगद 15,000 रुपया हस्तांतरण केने छला। ओ सहयोग रकम हेल्प मधेसी के मलेशिया स्थित शाह आलम दलाज मलेशिया शाखा आ अध्यक्ष सरोज शाह के पहल में उपलब्ध भेल यादव जानकारी देलन। बालिका महरा के उपचार के थप सहयोग आवश्यक भेला पर अपना सब पहल करबाक यादव बतौलन। अपना सब जनकपुर धामे में महरा के उपचार के लिए पहल केलो पर अभिभावक दरभंगा जाकर उपचार कराव शुरू केला बाद नगद सहयोग केने हुनक कहब।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के विधान महाधिवेशन आसिन के 15, 16 और 17 गते काठमांडू में आयोजन करे के निर्णय कैल गेल। शनि दिन ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में बैसल पार्टी के स्थायी कमेटी बैठक विधान के महाधिवेशन आसिन 15, 16 और 17 गते काठमांडू में आयोजन करे के निर्णय कैल गेल। विधान के महाधिवेशन के लिए पार्टी स्थायी कमेटी के बैठक आसिन 3 और 4 गते के लिए बजाओल गेल। उक्त बैठक से विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत हो वाला विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन सब सहित स्थायी कमेटी के बैठक में प्रस्तुत हैत आ ओहि ऊपर व्यापक छलफल कर मात्रे आगा बढ़वाक पार्टी के सचिव योगेश भट्टराय बतौलन। ओ अय में आयल सुझाव सब के रखत केंद्रीय कमेटी के बैठक आसिन के 8 और 9 गत्ते के लिए बजाओल गेल से हो जानकारी दिलन। विधान महाधिवेशन को मिति कई संशोधन गरेको छ। अब विधान महाधिवेशन असोज को 15, 16 और 17 गते काठमाडौँमा आयोजना होने र त्यसको निम्ति स्थायी समिति को बैठक असोज को 3 और 4 गते बस्ने छ। 3 और 4 गते बस्ने स्थायी कमिटी को बैठक में विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत होने विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदनहरू त्यो स्थायी समिति को बैठक में प्रस्तुत होने र स्थायी कमिटी ने त्यसमाथि व्यापक छलफल गर्छ र स्थायी कमिटी बाट आएका सुझावहरूलाई समेत राखेर केन्द्रीय कमिटी को बैठक असोज को 8 और 9 गते आयोजना होने र त्यो केन्द्रीय कमिटी में ती सब दस्तावेजहरूमाथि छलफल भएर त्यसलाई केन्द्रीय कमिटी को दस्तावेज को रूप में विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत गरिनेछ। करीब 3,000 प्रतिनिधि सब भाग लेबाक जनाओल गेल। ओ प्रतिनिधि सभा में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जनबैत काल प्रतिस्थापन विधेयक आन के काज अशोभनीय भेल पार्टी निष्कर्ष निकालने जानकारी दिलन। सचिव भट्टराय अपना सरकार से आनल गेल लोकप्रिय बजट के कटौती करैत एखुनका सरकार हचुआ के भर में कार्यक्रम थपने बतौलन। सचिव भट्टराय सभामुख अग्नि सापकोटा नेकपा एमाले पार्टी विभाजन के लिए गलत भूमिका निर्वाह केने आ निष्पक्षता केने टिप्पणी केलन। ओ सभामुख संसद के निष्पक्षता में नहीं ल जात सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि भ का काज कर आरोप लगौलन। अवस्था में सरकार को तरफ बाट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नया बजेट प्रस्तुत करने काम भयो। यो बिल्कुल असंसदीय काम भयो, यो सत्ता पक्ष को बलमिचै भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। र कुनै पनि विधेयक त्यसमा पनि बजेट जस्तो कुराहरू प्रस्तुत गर्दा त्यसको एउटा नेकपा एमाले के आई बैसल स्थायी कमिटी के बैठक काल रवि दिन दोपहर 12 बजे संसदीय दल के बैठक बजाउने सचिव भट्टराई सेहो जानकारी दिले। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल पार्टी विभाजन से एमाले के देशव्यापी रूप में मात्र 9% असर पड़ल बतौलन। शनि दिन काठमांडू में नेकपा एमाले दोलखा काठमांडू संपर्क मंच द्वारा आयोजित वृहत प्रशिक्षण जमघट तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम में महासचिव पोखरेल नेकपा एमाले देशव्यापी रूप में अभियान चलबे धर ई 9% से हो गिर कर 2% में गिरत बतौलन। महासचिव पोखरेल नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति दूटा ध्रुव में विभाजित भेल कहत केपी शर्मा ओली के ने राजनीतिक ध्रुव में अपना सब रहल बतौलन। ओ केपी ओली नेतृत्व के ध्रुव में आर्थिक विकास आ समृद्धि के बात रहल कहत राष्ट्रीय राजनीति के दोसर ध्रुव गठबंधन वाला सब अवसरवादी आ सिद्धांत विहीन सब मात्र भेल टिप्पणी कलन। औधि भन्यो भने लगभग 10% हो, अरू केही छैन। हामीले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउन्जेलसम्म यो 10% खिएर 3%, 2%मा झर्नेछ। यो चिज तपाईँहरू बुझ्नुहोला। र नेकपा एमाले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति यति बेला दुईवटा ध्रुवमा विभाजित छ, दुईवटा पोलमा। एउटा पोलको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक ध्रुव, राजनीति पोलले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, सामाजिक सद्भावको कुरा गर्छ, समाजको अराजकता अन्त गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्छ र देश विकासका चौतर्फी कुराहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ।
देश विकास गर्न हरेक नागरिकहरूले योद्धाहरूले सपना देख्नुपर्छ भनेर वकालत गर्छ हो यो पोल यो ध्रुवको नेतृत्व गर्ने केपी ओली हुनुहुन्छ। अर्को ध्रुव छ राष्ट्रिय राजनीतिको अर्को ध्रुव भनेको गठबन्धनवालाहरूको ध्रुव छ जहाँ अवसरवादीहरू जहाँ सिद्धान्तहीनहरू जहाँ अनैतिकहरू जहाँ अवसरवादीहरूको झुन्ड छ त्यो झुन्डले नेतृत्व गरेको अर्को पोल छ। महासचिव पोखरेल नेकपा एमाले पहिलेसँग बेसी मजबुत होइत जा रहल आ ओही हिसाबसँ नेकपा एमालेमे प्रवेश केने नयाँ कार्यकर्ताके क्रियाशील भएको काज कर ओ आग्रह कयलनि। महासचिव पोखरेल पार्टीके पक्षमे ठाढ भएको काज करवला हरेकके समेटित आगा बढ़ब बतौलने। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आ एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच भेटघाट भेल अछि। शनि दिन एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार अर्थमन्त्री शर्माके भेट सिंहदरबार पहुँचल छलीह। नेपालके चार दिनक भ्रमणके लेल एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आ सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स प्रस्पे दिन काठमाडौँ पहुँचल छल। नेपाल पहुँचल उपाध्यक्ष सुमार नक्साल स्थित मैरियट होटलमे रहली अछि। फातिमा एहिसँ पहिने माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीके अध्यक्ष माधव नेपाल नेकपा एमालेके अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल सन भेट कऽ चुकली अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह राष्ट्रीयता उपर हमला भऽ रहल निष्कर्ष निकाललक अछि। शनि दिन काठमाण्डुमे पत्रकार सम्मेलन करैत विप्लव समूहके प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड 3-4 वर्षसँ एमसीसीके सम्पन्न करय उद्देश्यसँ अमेरिकी शासक वर्ग चलाउने कार्यक्रम रहल बतौलक अछि। ओ सरकार एमसीसी जेहन राष्ट्रघाती प्रोजेक्टके संसदसँ पास करके चलखेल कऽ रहल आरोप लगौलनि। सभ नेपाली नागरिकसभ एहि विरुद्ध आन्दोलित भऽ रहल समयमे सेहो दलाल सब आई के पास कर कह रहल आरोप लगौल। जनता को पक्ष में आफूलाई खड़ा करने राजनीति पार्टी को चाहिँ संघर्ष को नेतृत्व को परिणाम अहिलेसम्म चाहेर पनि शासक वर्गहरूले चाहेर पनि विदेशी शक्तिहरूले साम्राज्यवादीहरूले अथवा अमेरिकनहरूले अमेरिकी शासकहरूले चाहेर पनि यो एमसीसी सम्झौता पास हुन सकेका थिएन। नेपाली जनताले त सुरुबाटै यसलाई रिजेक्ट गरेको छ। यद्यपि पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने जो त्यसको सम्झौताको प्रावधानमै एउटा छ त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नको निम्ति अघिल्लो बेला ओलीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारले पनि हाउसमै टेबल गर्न त सकेन। त्यसको सचिवालयमा संसद सचिवालयमा त दर्ता गरेको छ। अब अहिले फेरि त्यो पनि मैले भने अघि त्यो पनि जनताको सङ्घर्षकै बलबाट अहिलेसम्म त्यो फेल हुँदै आएको थियो। अहिले फेरि धेरै चाहिँ तपाईँको स्थिति नयाँ छ। जनताका चाहना आकाङ्क्षाहरू एकदम चाहिँ नयाँ ठाउँमा पुगेका छन्। यो बेलामा फेरि सरकार संसद बजाकर एमसीसी तत्काल पास गरेको योजना बना रहल अपन पार्टी राष्ट्रिय आ केन्द्रित रूपसँ नेतृत्व प्रदान गर एक सप्ताह सङ्घर्षके कार्यक्रम रख्ने बतबैत प्रवक्ता प्रकाण्ड भादो 28 गते काठमाडौँमे वृहत प्रदर्शन करबाक बतौलनि। ओ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वके सरकार बहुत आन्तरिक सङ्कटसँ ग्रस्त भेला बाद बनल आ एकर आयु 6 महिना या 1 वर्षके रहतमे कोनो ठेगान नै रहल बतौलनि अछि। पार्टीको निम्ति राष्ट्र जनताका विरुद्धमा हुने षड्यन्त्र हस्तक्षेप जो हुन्छन् ज्यानको बाजी लाएर त्यसका विरुद्ध लड्नु हो तब मात्र त्यो पार्टीको अर्थ र औचित्य हुन्छ। जब मात्र त्यो पार्टीले आफ्ना घोषित छ यसलाई राष्ट्रिय रूपमा र केन्द्रीकृत रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्नको निम्ति पार्टीले एक हप्ते सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सायद हामी अहिले तेस्रो दिनमा छौँ सङ्घर्षका घोषणा गरेको सङ्घर्षको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको तेस्रो दिनमा छौँ। पछि 28 गते काठमाडौँमा वृहत प्रदर्शन गर्ने चाहिँ योजना छ हाम्रो र वृहत चाहिँ तपाईँको विरोध सभा गर्ने योजना छ। हामीलाई देउबाजीलाई के भनाइछ भन्दा तपाईँ भर्खर भर्खर धेरै तपाईँहरूको आन्तरिक चाहिँ तपाईँको सङ्कटबाट तपाईँहरूको सरकार बनाएछ। तपाईँको सरकारको पनि 6 महिना हो कि 1 वर्ष हो कोही ठेगान छैन। प्रवक्ता प्रकाण्ड सरकार यदि मूर्खताए कऽ रहला पर देशमे आगि लगबाक चेतावनी देलनि।
प्रवक्ता प्रकांड, 10 वर्ष जनयुद्ध लड़ल प्रचंड आ राणा विरुद्ध के आंदोलन में कांग्रेस से कैल गेल बलिदान के याद कर प्रधानमंत्री देवा के ध्यान आकर्षण करौल। नेपाली कम्युनिस्ट नेता सब पेरू कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष गोंजालो सहित ओकर टोली के तत्काल रिहा कर के मांग के लगे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग शनि दिन काठमांडू में आयोजन के एक कार्यक्रम में देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के अध्यक्ष सीपी गजुरेल गोंजालो नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के सेहो प्रेरणा के स्रोत भेला से हुनकर रिहाई के मांग कलन। ओ अध्यक्ष गोंजालो के रिहाई कर अमेरिकी साम्राज्यवादी सब के हाथ रहल आरोप लगौलन। धेरै लामो समयसम्म त उहाँलाई आइसोलेसनमै राखियो र उहाँ अहिले अनुमान गरिए अनुसार यो स्किन क्यान्सरबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ। तै पनि उहाँलाई उपचारको व्यवस्था गरिएको छैन र त्यो अमानवीय व्यवहार त्यहाँ गरिराखिएको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसको विरुद्धमा आवाज संसारभरि नै उठिराखेको छ र यस अवसरमा यो कार्यक्रम जुन आयोजना गरिएको छ आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र संसारभरि चलिरहेको तहिना विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग इंचार्ज धर्मेन्द्र बास्तोला गुंजालो करीब 30 वर्ष लंबा समय जेल जीवन बिता चुकल से रिहाई के मांग कलन। तहिना कार्यक्रम में जनवादी गायक जीवन शर्मा गुंजालो संसार भर के क्रांतिकारी नेता सब के सर्वहारा क्रांति के हीरो रहला से हुनका तत्काल रिहाई के मांग कलन। समता फाउंडेशन शुरू केने जात को प्रश्न के दोसर सीजन 8 अक्टूबर 2021 से शुरू होब जा रहल है। फाउंडेशन जात के सब के साझा मुद्दा बनबत सब जात के अई में संवाद कर बतबत दोसर सीजन के शुभारंभ कलक। कार्यक्रम में महानायक राजेश हमाल कतबो निक संविधान बनौलो पर जातीय समस्या व्यवहार में उन्मूलन केनाई कठिनाई रहल बतौलन। ओ एक मानव दोसर मानव ऊपर कर रहल विभेद से परेशान रहल बतौलन। कुराले चाहिँ मलाई धेरै पनि सताइरहन्थ्यो र सुटिङको क्रममा पनि मैले विभिन्न घटनाहरू देख्ने मौका पनि पाएको थिएँ र मैले पनि चलचित्रहरू गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता विभिन्न चरित्रहरू गर्दाखेरि त्यो चरित्रलाई चाहिँ नजिकबाट आत्मसात गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ। किनकि कलाकारले जब कुनै चरित्र गर्छ बाहिर हेर्ने व्यक्तिलाई त यस्तो लाग्थ्यो कि यसको कामै कलाकारिता गर्ने हो, त्यसैले यसले कुनै पनि चरित्र चाहिँ नि स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ निर्वाह गरिहाल्छ भन्ने लाग्थ्यो। कार्यक्रम में उपस्थित गायक प्रकाश सपूत, संचारकर्मी निस्मा चौधरी ढुंगाना, महिला आयोग के पूर्व सदस्य मोहना अंसारी, निर्देशक शांता नेपाली जाति विभेद समाज के एकटा प्रमुख समस्या रहल कहत एकरा उन्मूलन के नाई प्रयास रहल बतौलन। जात को आधार में गरिने विभेद यो एउटा समुदाय अथवा को मात्रै म यो समाज जब मैले मेरो पूरा नाम भन्छु जब मैले मेरो परिचय दिन्छु त्यो मेरो परिचयसँगै विभेदका ती अनुभवका फेरि यस्तै आउँछन् जस्तो लाग्छ। मैले थप कुनै पर्टिकुलरली एउटा घटना यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर सुनाइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। अघि दया दाईले भने जस्तै त्यो स्पष्ट लियर भएको स्पष्ट त्यो सिँढीहरू भएको समाजमा किन कसरी कस्तो कति यस्तो केही क्वेसन नसोधिकन मैले मनमा चाहिँ सोचिसकेको थिएँ होइन यो त गर्ने नै हो भनेर त्यो गरिसक्दाखेरि चाहिँ एक दिन काम त्यति धेरै ढुकुटी राज्यको ढुकुटी पार्टी तपाईँले तलमै खाइसकेको अब के भोलिरहनु भनेर भन्छन्। त्यसो भएर मैले ए हो साँच्चै म त अब जीवनको उत्तरार्धमा गइसकेँ कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। त्यो सम्झिँदै जाँदाखेरि मैले सायद कुनै पनि समय त्यस्तो भेटेको छैन जब मैले विभेद नखेपेको होला। मलाई मलाई याद छैन मैले दोस्रो सिजनमा 12 एपिसोड हात। सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी जिला बैतड़ी आ दारचूला में भूकंप के धक्का महसूस कैल गेल। आई भोर 6 बजे धक्का महसूस कैल गेल। भूकंप मापन केंद्र सुर्खेत के प्रमुख तीर्थराज दहाल के अनुसार 5.3 रेक्टर स्केल के उक्त भूकंप ओकर केंद्र बिंदु भारत के उत्तराखंड प्रदेश में रहल बताओल गेल। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत के गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजीनामा देलन। ओ शनि दिन प्रदेश प्रमुख आचार्य देवव्रत समक्ष राजीनामा देलन। राजीनामा देला बाद मुख्यमंत्री रूपाणी मुख्यमंत्री के रूप में काज कर देने में भारतीय जनता पार्टी प्रति कृतज्ञता व्यक्त कलन। ओ अपना मुख्यमंत्री के रूप में काज केने 5 वर्ष बहुत लंबा समय रहल बतौलन। रूपाणी अपना आब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माथा तहत काज करबाक बतौलन। अंतिम हेडलाइन्स एक बार फिर से
पिछला 24 घंटा में देशभर थप 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल, देशभर थप 994 गोटे में कोरोना संक्रमण। जनकपुर धाम में लोसपा चुननिहार जनप्रतिनिधि सबके सम्मान, आब एकता नहीं गठबंधन मात्र हेबाक जिक्र। नेपाल सद्भावना पार्टी आ राष्ट्रवादी पार्टी बीच एकीकरण के घोषणा, एकीकृत पार्टी के नाम आ चुनाव चिन्ह नेपाल सद्भावना पार्टी के रहत। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन आसिन 15-16-17 गते काठमांडू में करत, माधव नेपाल 9% मात्र लगेल महासचिव पोखरेलक दावी। आ एमसीसी के विरोध में गरमायल विप्लव समूह, राष्ट्रीयता ऊपर हमला भ रहल निष्कर्ष। बेस त अपन न्यूज एखन लैत बा पल पल खबर, तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।